के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुधाम मंदिर परिसर, गुरुधाम में अभिलेख प्रदर्शनी, व्याख्यान, सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस उपायुक्त काशी जोन ने अर्धसैनिक बल व पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। पुलिस लाइन में देश के 73वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर। और नीलगिरी इंफ्रास्टिडी कंपनी के पूर्व सीएमडी संजय प्रजापति को चेतगंज पुलिस ने दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। गंगापुत्र कहे जाने वाले नाविक इन दिनों परेशान है। वजह है कोरोना की तीसरी लहर के कारण वाराणसी के गंगा घाटों पर लगी पाबंदी, जिसने वाराणसी के हजारों नाविकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगापुत्र कहे जाने वाले नाविक इन दिनों परेशान हैं। वजह है कोरोना की तीसरी लहर के कारण वाराणसी के गंगा घाटों पर लगी पाबंदी, जिसने वाराणसी के हजारों नाविकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि सुबह ठंड और शाम को घाटों पर जाने की रोक के आदेश ने इन हजारों नाविकों की जेब को 75% तक प्रभावित किया है, जिससे इन नाविकों की जिंदगी में आफत खड़ी हो गई है। दरअसल जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शाम 4 बजे के बाद घाटों पर लोगों को जाने पर रोक लगा रखी है। इस रोक के कारण गंगा आरती की भव्यता भी सिमट गई है। साथ ही पर्यटकों के आवाजाही कम होने के कारण नाव से घूमने वालों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा आधे से भी कम हो गई है, जिसके कारण इन नाविकों को अपना परिवार चलाने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 80 घाट के नाविक मुन्ना ने बताया, क्या कोरोना के थर्ड वेव थोड़ी समस्या तो आई है, लेकिन फिलहाल दाल रोटी व परिवार का खर्च निकल जा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन का यह कदम सराहनीय है, जिसके हम प्रशंसा करते हैं। वही भरत निषाद ने बताया कि कोरोना के थर्ड वेव को रोकना भी काफी आवश्यक है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जिसको लेकर प्रशासन काफी सक्रिय है तथा 4 बजे के बाद घाटों पर घूमने पर रोक लगा दिया गया है, जो पूर्ण रूप से उचित है। महामारी चला हुआ है, ये सब लोग देख रहा है। ये महामारी चला हुआ है तो हम भी सोचते हैं कि हमारा भी जीवन है, हमारा भी बच्चे है, तो 4 बजे के बाद डीएम साहब ने जो छूट दिए हैं, तो उसमें हमको जो दाल रोटी भर कमाने भर मिल रहा है, खाने भर मिल जा रहा है, लेकिन हम भी अपने सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए, अच्छा है भाई, हम उल्लंघन नहीं करेंगे। डीएम साहब जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत अच्छा प्रशासक फैसला लेता है, तो हम जो है ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी जीविका है, हमारा भी वो है, अगर हमको भी आज कुछ हो गया तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, मुक्त, कुशल व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट द्वारा काशी के कुछ क्षेत्र में फ्लैग मार्च व परेड निकाला गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, मुक्त, कुशल व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महित अर्धसैनिक बल बीएसएफ व पुलिस फोर्स व दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ माना कोतवाली क्षेत्र के मैदागिन नखारा, जलपा देवी, गोला दीनानाथ, कबीरचौरा, बीबी हटिया, डीएवी तिराहा आदि क्षेत्र सहित मुख्य बाजार तथा संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च व भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा आम जनमानस को सूचित किया गया कि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है। अगर कोई व्यक्ति अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डराता है या कोई शराब, पैसा व अन्य सामग्री का प्रलोभन देता है अथवा किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले, चुनाव गलत तरीके से प्रभावित करने वालों के बारे में तत्काल 112 नंबर अथवा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करें। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधी के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही कराई जा रही है, और विभिन्न गलियों में, मोहल्लों में जो है भ्रमण कराया जा रहा है, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और जो है बिना किसी डर भय के आगामी जो हमारे विधानसभा के चुनाव हैं, जिसका 7 मार्च को मतदान दिवस है, लोग जो है अपने मताधिकार का और साथ ही साथ जितने भी हमारे पर्व हैं वो भी बिना किसी डर भय के अच्छे तरीके से और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है संपन्न हो, और कोई भी व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन न करे, और साथ ही साथ पूरे जो है कमिश्नरेट में धारा 144 लागू है, तो धारा 144 का भी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हो रही धांधली के संदर्भ में वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के नाम का ज्ञापन एसीएम चतुर्थ शिवांगी शुक्ला को फ्रंटलाइन वर्करों ने सौंपा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हो रही धांधली के संदर्भ में वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के नाम का ज्ञापन एसीएम चतुर्थ शिवांगी शुक्ला को फ्रंटलाइन वर्करों ने सौंपा। कोविड 19 योजना के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रशिक्षण कौशल विकास योजना के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिसमें विद्यार्थियों ने कहा कि हम सभी लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशिक्षण को पूर्ण किया। इसके कारण हम लोगों ने अपनी आगे की पढ़ाई बाधित करते हुए इस योजना को पूर्ण किया। लेकिन हम लोगों को कहा गया था कि कोविड 19 हार्ट वेव आने पर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी जॉब हम लोगों को नहीं दी गई। उसी के संदर्भ में गौरव हंसराज, सिमी, आशुतोष यादव, अनीता देवी, सुरेश यादव इत्यादि लोगों ने जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन सौंपा। जून में कार्यक्रम चालू किया गया था मोदी जी के द्वारा, फ्रंटलाइन वर्कर योजना जो कोविड के तहत आती है, उसमें हम लोगों को वहाँ पे पहले 21 दिन की ट्रेनिंग कराई गई सेंटर से। उसके बाद हम लोगों को कबीर चौरा हॉस्पिटल और कुछ लोगों को रामनगर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद हमें ये आश्वासन दिया गया कि हम लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी, या तो संविदा पे रखा जाएगा या तो फिर किसी तरीके से। लेकिन उस तरीके से अभी तक हम लोग की ना कोई नियुक्ति हुई है, और बच्चों का मानना यह है कि कुछ बच्चों के कुछ पैसे आए हैं जो हम लोग को स्टाइफिन और ट्रेनिंग के तहत मिलने वाले थे, वो भी हमें नहीं मिले हैं। बाकी बच्चों के कुछ भी पैसा नहीं आया। अब हम लोग सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर वाले ये कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है पैसे का, अब सरकार से बात फाइट कीजिए इस चीज़ पे। अब सरकार के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट सीएम और प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। पुलिस लाइन में देश के 73वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सोमवार को इसका पूर्वाभ्यास किया गया। पुलिस लाइन में देश के 73वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सोमवार को इसका पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास में महिला कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबलों को नेम प्लेट और ड्रेस को सही तरीके से पहनने को लेकर अधिकारियों द्वारा फटकार लगी, तो वहीं 26 जनवरी को समय से 5 मिनट पहले ही आने के लिए सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की परेड का निरीक्षण हुआ। पुलिस की टोली टीएसआई श्री देवानंद बर्नवाल के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई, तीसरी टोली सीईआर की टोली उपनिरीक्षक श्री महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में, बहुत ही ओज में प्रस्तुति परेड का। पांचवी टोली महिला पुलिस लाइन की टोली उपनिरीक्षक सुश्री सुमन यादव के नेतृत्व में, छठी टोली पीएसी रामनगर का ये प्लाटून पीसीसी कैलाश नाथ यादव के नेतृत्व में, सातवीं टोली प्रशिक्षणाधीन आरक्षी पुरुष प्रशिक्षणाधीन आरक्षी महिला उपरीक्षक श्रीमती अनिता देवी के नेतृत्व में प्रमादी मुख्य अतिथि महोदय आज प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षणाधीन आरक्षी पुरुष उपरीक्षक मोटरसाइकिल दस्ता उपरीक्षक रविकांत मलिक के नेतृत्व में, इसके बाद स्वातिम आरक्षी रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में, उसके बाद वायरलेस दस्ता आरएसआई हरिशंकर राय जी के नेतृत्व में, फायर सर्विस मुख्य आरक्षी कुर्सी के नेतृत्व में, और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ, बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट, वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेएनएसएल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय। आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेसमेंट। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट, वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेएनएसएल। आई एम
एम स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय. आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेसमेंट. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रहे. पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे. बेबाक बहस. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, दो गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. जनहित में जारी वाराणसी लाइव. वाराणसी लाइव सच के साथ. और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में वांछित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. आगामी विधानसभा चुनाव को भयमुक्त करने को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी तरह से कमर कस ली है. ऐसे में वांछित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना शुरू कर दिया है. इस क्रम में चेतगंज पुलिस ने इंफ्रासिटी कंपनी के पूर्व CMD संजय प्रजापति, जो कि नीलगिरी से संबंधित कई मुकदमों में वांछित थे, को चौकाघाट लकड़ी मंडी तिराहे से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए DCP आदित्य लहंगे ने बताया कि संजय प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए चेतगंज पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी. आज सफलता मिल ही गई. थाना चेतगंज में 2018 से लेकर 2021 तक नीलगिरी इंफ्रासिटी जो कंपनी है, जो टाउनशिप डेवलप करने की बात आई थी, 2018 से 2021 तक 80 मुकदमे लिखे गए थे. इसमें टोटल जो अभियुक्त थे 14 थे. पहले इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार थे. पुलिस बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई थी. इसी दौरान आज संजय प्रजापति, जो इस कंपनी में पूर्व में डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इस कंपनी में भी हाल फिलहाल में ग्रीवेंस सेल देख रहे थे, इनकी गिरफ्तारी हुई है. इनके खिलाफ, संजय प्रजापति के खिलाफ 17 मुकदमे यहाँ पे थाना चेतगंज में लिखे जा चुके हैं. इस कंपनी के खिलाफ एक गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत है. इसके जो मेन डायरेक्टर्स थे वो पहले से ऑलरेडी अरेस्टेड हैं. ये काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था. पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा दम लगाते हुए इनको गिरफ्तार किया है. अन्य जो शेष अभियुक्त है उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी होगी. गुरुधाम मंदिर परिसर गुरुधाम में अभिलेख प्रदर्शनी, व्याख्यान, सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. सोमवार को सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन गुरुधाम मंदिर परिसर गुरुधाम में किया गया. इसके अंतर्गत अभिलेख प्रदर्शनी, व्याख्यान, सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल, श्री प्रकाश चंद श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन उत्तर प्रदेश, जिला पंचायत राज अधिकारी वाराणसी श्री राघवेंद्र द्विवेदी एवं डॉक्टर सुभाष चंद यादव, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया. इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं कारगिल युद्ध के शहीद के परिजनों का अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया. इस अवसर पर प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने के औचित्य महत्व पर विस्तार से अपने विचार रखे. तदुपरांत लिटिल फ्लावर हाउस नगवा के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया. इसके अंतर्गत गणेश वंदना, वंदे मातरम का गायन एवं देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुति की गई. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन सुश्री भावना सिन्हा एवं सौरभ श्रीवास्तव ने किया. अतिथियों का स्वागत डॉक्टर सुभाष चंद यादव, धन्यवाद श्री राघवेंद्र द्विवेदी एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे ने किया. इस अवसर पर आयोजित अभिलेख प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की संरचना को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. इस अभिलेख प्रदर्शनी में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात से वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थापना तक के ऐतिहासिक यात्रा को अभिलेखों की जुबानी रखने का प्रयास किया गया है. अभिलेख प्रदर्शनी मूलतः 3 भागों में विभाजित है. प्रथम भाग में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को समय समय पर अपने अधीन करने और प्रशासनिक नीति के अनुपालन में सीमाओं तथा राजधानी के परिवर्तन को मानचित्र की सहायता से प्रस्तुत किया गया है.
इस क्रम में द्वितीय भाग में प्रशासनिक संरचनाओं के विकास एक सूत्र में बनने आधारभूत संरचनाओं के विकास को विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तृतीय भाग में स्वतंत्रता उपरांत विभिन्न देशी राज्यों के भारत गणराज्य में विलय और उत्तर प्रदेश की स्थापना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में विगत 2018 से हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार चूंकि कोरोना की विभीषिका है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है तो आदर्श आचार संहिता भी लागू है, ऐसे में लखनऊ में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है और उसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर सभी जिले में भी संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कराया जाना है। इसके तहत ये छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने गुरुधाम मंदिर परिसर में आयोजित किया है। इसके अंतर्गत स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान, देश पर शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान, कुछ राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तुति और उत्तर प्रदेश के गठन पर आधारित एक छायाचित्र प्रदर्शनी का। जालान व्यापार समूह की कंपनी श्री जालान इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड पास फाटक वाराणसी द्वारा प्रसादम रेस्तरा का उद्घाटन अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज द्वारा किया गया। जालान व्यापार समूह की कंपनी श्री जालान इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड बास फाटक वाराणसी अपनी विस्तार योजना के तहत रेस्तरा खोला। बास फाटक स्थित श्री जालान इम्पैक्ट भवन के प्रथम तल पर प्रसादम रेस्तरा का उद्घाटन अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने किया। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री कुलपति तिवारी विशिष्ट अतिथि थे। प्रसादम रेस्तरा में शाकाहारी भारतीय व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। वाराणसी को मिनी भारत कहा जाता है, इसलिए विविध प्रकार के भारतीय व्यंजन प्रसादम में उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर जालान इम्पैक्ट के प्रबंध निदेशक अभिषेक जालान पत्रकारों को प्रसादम की विशेषताओं व सुविधाओं के बारे में जानकारी दिए। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर फिल्म एक्टर राजेश शर्मा, निधि देव अग्रवाल, केशव जालान सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। जालान जी ने जो आज रेस्टोरेंट खोला है, यहाँ पर प्रसाद मिलेगा उचित मूल्य पे। यहाँ प्रसाद मिलेगा, जो लोग आएंगे यहाँ के दर्शनार्थी हैं उनको लाभ मिलेगा। इतना बड़ा रेस्टोरेंट इस क्षेत्र में ये पहला है और यहाँ उच्च क्वालिटी का प्रसाद मिलेगा। लोग आएँ, नॉमिनल अपनी पेमेंट करें और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएँ। यहाँ कई वैरायटी हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये चलेगा। जिसको अल्पाहार करना अल्पाहार करे और ऐसे भोजन करना तो भोजन करे, मगर यहाँ प्रसाद की उत्तम व्यवस्था है। जिस विषय पर इतना बढ़िया बाबा के बगल में इस तरह से ये पहला रेस्टोरेंट खुल रहा है जो इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य और इतना कम प्राइस पे यहाँ से जो प्रसाद यहाँ से मिलेगा, जो जलान जी के माध्यम से ये चलाया जाए। आज तक लोगों की सेवा स्वरूप में भोजन की सेवा निरंतर करते आ रहे थे, लेकिन बहुत ऐसे यात्री हैं जो कुछ शुल्क देख के ही कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। क्या चार्जिंग होगी, किस तरह का? हमारा प्रयास है कि हम आने वाले सभी अतिथियों से जो निम्न से निम्न चार्जेज हों वही लें और एक अच्छी से अच्छी सुविधा उनको प्रदान करें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण भी समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। सच के साथ।